ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत हमीरपुर शहर में 3 पार्क शहर के लोगों की सुविधा के लिए बनाए जाएंगे। इन पर करीब 2 करोड़ रुपए नगर परिषद द्वारा खर्च किए जाएंगे। इनमें से एक पार्क महाराणा प्रताप पार्क का निर्माण कार्य वार्ड नंबर 2 PWD बोर्ड कॉलोनी में पूरा हो चुका है। यहाँ लोगों को पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी। इस पार्क को हाईटेक तरीके से अपग्रेड किया गया है, जहाँ बच्चों के खेलने के लिए काफी सामान लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ लोगों के बैठने के लिए एक बड़ा शेड और एक कमरा बनाया गया है। बुजुर्गों की सुविधा के लिए यहाँ उन्हें अखबार पढ़ने के लिए, टीवी देखने और कैरम बोर्ड खेलने के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा शहर के वार्ड नंबर 10 गोटा में 16 कैनल के एरिया में 60 लाख रुपए की लागत से पार्क बनाया जाएगा, जिसका नाम परशुराम पार्क रखा जाएगा। अगर हम पार्कों की बात करते हैं तो वार्ड नंबर 2 नियर PWD कॉलोनी के पास जो है एक सुंदर पार्क जो है वो बना के जो है तैयार हो गया है। वो पहले भी था लेकिन उसको अपग्रेड किया गया है। उसके साथ एक पार्किंग बना दी गई है। वहां पे बहुत से बच्चे, बहुत से महिलाएं, बुजुर्ग उसी पार्किंग में एक सीनियर सिटीजन के लिए वहां पे एक जो है रूम बना दिया गया है। उस रूम में सिटिंग प्लान है, 10-12 लोग बैठ सकते हैं। वहां पे कैरम बोर्ड है, चेस है, टीवी लगा दिया गया है, एक्वा गार्ड लगा दिया गया है, पानी पीने की व्यवस्था की गई है कि बुजुर्ग आए, और न्यूज़पेपर वगैरह भी वहां पे रखे जा रहे हैं ताकि वहां पे वो बैठ के अपना जो शेष वक्त होता है, जो भी फ्री टाइम होता है, उसको आपस में बैठ के व्यतीत कर सकें। इसी प्रकार अगर हम अन्य पार्कों की बात करते हैं तो गौड़ा में वार्ड नंबर 10 में लगभग 16 कनाल हमारी जगह है, उसके टेंडर जो है 60 लाख के टेंडर जो है वो कर दिए गए हैं, और अगले हफ्ते तक जो है ये टेंडर फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी और ये भी एक भव्य पार्क जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। इस पार्क का जो नाम है वो भगवान परशुराम जी के नाम से रखने का नगर परिषद जो है वो विचार रखती है। भगवान परशुराम के नाम से इस पार्क का नाम रखा जाएगा और ये भी बहुत सुंदर पार्क बन जाएगा। जो प्रपोज्ड है, जो जिसमें बजट अभी हमें अरेंज करना है, वो हाउसिंग बोर्ड में वार्ड नंबर 7 में जो नाला है, नाले के साथ जो छोटा सा पार्क है, उस नाले को चैनलाइज करके उसकी डक बना के जो है उसमें मिट्टी और अन्य चीज भर के जो है समतल कर दिया जाएगा, और वो भी बहुत बड़ा पार्क, लगभग 4-5 कनाल का जो है पार्क बन जाएगा। वो 50 लाख का एस्टिमेट है, उसको भी आने वाले समय में जो है हम तैयार करेंगे। इसी ढंग से जो हमारे हाथली खड के साथ जो सराउंडिंग की जो जगह है उसकी भी ब्यूटिफिकेशन हम कर रहे हैं, उसको भी सुंदर कर रहे हैं। तो ये तो हमारे पार्कों के बारे में जो है वो ब्यौरा है।